हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बता रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो लोगों के ऊपर में काला जादू कर दिया है, और वह ऐसा काला जादू कर दिया है जो हर रोज थोड़ा थोड़ा वह समझिए सूख रहा है, धीरे धीरे सूखते सूखते जा रहा है, और पता नहीं चल रहा है कि सुख कैसे रहा है। इसका शरीर सूख रहा है, कमजोर होते जा रहा है। तो आप समझिए कि उसके शरीर के ऊपर में उच्चाटन किया गया है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि यदि ऐसा विद्या आप भी किसी के ऊपर करेंगे तो वह भी आदमी सूखने लगेगा। तो ये उच्चाटन विद्या किस प्रकार किया जाता है, आज हम आपको बताएंगे कि किसी के शरीर को धीरे धीरे कैसे सुखाया जाता है, कैसे धीरे धीरे सूख करके लकड़ी की तरह हो जाएगा। तो इसके लिए क्या विधि है, इसके लिए सबसे पहला विधि और सबसे अंतिम विधि एक ही रात में आपको करना है। वह क्रिया करने के लिए आपको अमावस्या की आवश्यकता होगी। अमावस्या जिस दिन आए उस दिन आपको जो प्लस वाले रास्ते हैं वहां पे जाना है आपको। वहां पे जाकर के ये खंती जो होता है, साबल लोहे के जो होते हैं, क्रोबर के द्वारा उसको गठा करना है और मिट्टी लेके आना है। उतनी ही बड़ी मिट्टी आप लेके आएंगे जिससे कि दीपक बन जाए, ठीक है। और मिट्टी ला करके उस जगह से और उसको अच्छी तरह से मिला करके, ताकि उसमें कहीं कंकड़ वगैरह के द्वारा छेद ना रह जाए और आपका जो तेल है वो गिर ना जाए। और आपको क्या करना है, बढ़िया से मिला के कंकल वगैरह निकाल के बढ़िया से एक आपको दीपक बना लेना है, ठीक है। जब वह दीपक बन जाएगा, यानी अमावस्या का सारा खेल है, अमावस्या को ही आपको दीपक बनाना है और छाया में उसको सुखा लेना है। छाया ना हो तो पंखे में उसको सुखाना है। जब वह सूख जाए तब जाके उसको अग्नि में पका लेना है, ठीक है, और नहीं तो तेल वह सारा गिर जाएगा। तो पकाने के बाद उसमें आपको जो व्यक्ति को आप सुखाना चाहते हैं, जो उसके शरीर में टच किया हुआ कपड़ा है, उसका बत्ती बनाए, सरसों का तेल लेकर आए, ठीक है। और सरसों का तेल ला करके जहां से आप वो मिट्टी को उठाए हैं उसी स्थान में रात भर उसको जलने देना है। ऐसा दीपक बनाए और वह जो गड्ढा है जहां से मिट्टी आप निकालेंगे वह गड्ढा बन जाएगा वहां पे, उसी गड्ढे में ले आके उस मिट्टी को, दीपक को आपको रखना है, ताकि हवा भी चले तो वहां तक हवा ना पहुंच सके और आराम से वह दीपक जलता रहे। और आपको मिट्टी पका करके दीपक को, और इसके बाद उसमें सरसों का तेल डाल के जो व्यक्ति को सुखाना चाहते हैं उसका कपड़े का आपको बत्ती बना करके, सरसों का तेल बना करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उसके नाम से रखना है वहां पे। और वहां पर आपको मंत्र बोलना है जाकर के रात्रि में। आप कहेंगे गुरुजी हमको तो मारने के चक्कर लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मरेंगे भी नहीं। वहां पे जाकर के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, और आपको ना कुछ चले बने तो भेड़ का जो केस होता है, अगर भेड़ का केस मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिला और नहीं तो भैंसा का जो केस होता है, पूछ होता है उसका हो जाएगा, उसका सिंह भी होगा, वह केस में लंबा करके उसमें लंबे लंबे केस हो जाते भैंसे का, वो ले लें। या नहीं तो भेड़ का चमड़ा के ऊपर में बैठ करके मंत्र आप बोलते रहें, वहां पर जो मंत्र हम दिया आपको देंगे उस मंत्र को बोलते रहना है, और वहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते रहना। आप देखेंगे 5 से 7 माला होगा, और इसके बाद आपको चला आना है, उस दीपक को जलते रहने देना है, यानी 5-7 माला होते होते सवेरे भी हो जाएगा और वह दीपक धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा आपके माला जपते जपते। जब तक आप माला जप रहे हैं तब तक दीपक जलते रहे, उसके लिए आपको सरसों का तेल डालते रहना है। जब वह आपका मंत्र भी खत्म हो जाएगा और दीपक भी बुझ जाएगा, दीपक को आप पलटा दें, उसके ऊपर दूसरी कोई मिट्टी ला के डाल दें, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का, वह जो व्यक्ति है वह धीरे धीरे सूखने लगेगा। और आप जो अगर उसको फिर से ठीक करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने का क्या विधि है अगले वीडियो में। तो अभी जो हम आपको मंत्र बताते हैं, इस मंत्र को आपको बोलना है वहां पे। मंत्र ऐसा है, देही
हाड़ चाम सुखेती, रखते दिया जीव की बाती। रात अमावस चंद्र घटेरी, घटत चंद्र देह सुखेरी। सोए सोए मांस लाश शमशान दिखेरी, आत पिचास सोत साथ चाट चाट के देह सुखात। इस मंत्र को आपको बोलना है, वहां पे उस आदमी का नाम लेना है, चाट चाट के फलना का देह सुखात। इस मंत्र को आप बोलेंगे, बोलते रहना, 5 से 7 माला बोलेंगे, आप देखेंगे जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे सुखते जाएगा। अगले वीडियो में बताएंगे इसको ठीक करना।